गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 13th of February 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो दोनों ही न्यूज़पेपर में कॉमन आर्टिकल्स यहाँ पर आए हुए हैं, उन आर्टिकल्स को हम किसी एक ही न्यूज़पेपर से करने वाले हैं जिस भी में उसमें ज़्यादा अच्छे से बताया गया होगा। पहला आर्टिकल है 7 इंडियंस हु फेस्ड डेथ रो इन कतर रिटर्न होम। देखिए क्या हुआ है, हमें पता है 7 नेवी के हमारे वेटरन थे जिनको सेप्टेम्बर और अक्टूबर के बीच में 2023 में कतर के शहर के अंदर, जहाँ वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ से पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और बोला जाता है कि वो लोग इसराइल के लिए यहाँ पर कतर के ऊपर स्पाई कर रहे हैं, यानी कि जासूसी रख रहे हैं। इसी कोर्ट की वजह से, जो उनका लोअर कोर्ट होता है, वो क्या करता है, उनको डेथ पेनल्टी दे देता है, यानी कि मृत्यु की सज़ा सुनाता है। अब जो यहाँ पर इंडिया में उनके परिवार थे, वो लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं और गवर्नमेंट के पास जाकर गुहार लगाते हैं कि उनको बचाइए, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपनी डिप्लोमेसी दिखाती है और उसी डिप्लोमेसी के अंदर शायद हम बोल सकते हैं कि ये हमारे अच्छे रिश्ते ही हैं कि जो कतर के अमीर हैं वो इनको छोड़ देते हैं और ये लोग अब रिटर्न आ जाएंगे, अब इंडिया के अंदर वापस आ जाएंगे, इनको छोड़ दिया गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इसी वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसी तरीके से, 2 दिन की विजिट के ऊपर कतर में जा रहे हैं अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और ज़्यादा उन पर ठोस जो है मजबूती लाने के लिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, ग्लोबल अलायंस टू ब्रिज द जेंडर इक्विटी गैप। अब जो ये आर्टिकल है, ये हमारा GS पेपर 2 के अंदर हम इसको देख पाएंगे, प्लस GS पेपर 3 में भी। 2 में कहाँ देखेंगे, सोशल जस्टिस के अंदर, 3 में कहाँ देखेंगे, वुमन एम्पावरमेंट के अंदर, स्कीम्स जो होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी चीज़, ये ऐसा आर्टिकल है जो कि आपका एसे के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फैक्ट यहाँ पर पता चलेंगे जिनको आप ईजिली जो ऐसे है उसके अंदर लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में इसमें से कोई सवाल आ सकता है, बहुत कम प्रीलिम्स में से इसमें से सवाल आना बहुत ही कम है, लेकिन हो सकता है कि आ भी जाए तो तैयार रहना चाहिए। देखते हैं क्या बातें हो रही है। अब टाइटल से हमें समझ में आता है कि जो ऑथर है चंद्राजीत बनर्जी, वो जेंडर इक्विटी गैप को लेकर कुछ बात कर रहे हैं। क्या बात की गई है, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक तरीके से मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो यहाँ पर प्रमोट करते हैं इक्विटी को। अब जब वो इसको प्रमोट कर रहे थे तो वो ये भी दिखा रहे थे कि उनकी जो रिपोर्ट है जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी से रिलेटेड, और उन्होंने उस रिपोर्ट के तहत वहाँ पर स्टेज पर ही इंडिया को एग्जाम्पलीफाई किया, यानी कि इंडिया का एग्जाम्पल दिया कि कैसे इंडिया खुद में जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहा है और सभी को एक साथ ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर अलायंस करनी होगी, एक साथ आना होगा, तब जाके हम देख पाएंगे कि कैसे यहाँ पर बदलाव की जो उम्मीद की जा रही है वो बदलाव यहाँ पर लाया जा सकता है। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा एग्ज़ाम्पल इंडिया का क्यों दिया गया, ऐसा इंडिया ने क्या करके दिखा दिया है कि हमारा जो है एग्ज़ाम्पल वो वर्ल्ड लेवल पे होने लगा है। इसके हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। पहले हम देखेंगे हमारे G20 की यहाँ पर प्रेसिडेंसी चल रही थी, इंडिया एज अ लीडर बना हुआ था, तब इंडिया दिल्ली के न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन यहाँ पर करता है और उसमें बताता है कि कैसे 1/3 यानी कि 33% जो सीट्स होंगी पार्लियामेंट के अंदर भी, प्लस जो हमारी स्टेट असेंबलीज हैं उनके अंदर भी, उनको रिजर्व कर दिया जाएगा वुमन्स के लिए, औरतों के लिए। पॉलिटिक्स में हमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये इंडिया को दिखा रहा है कि इंडिया कैसे इक्वालिटी लाने के लिए, समानता लाने के लिए एक तरीके से अपने जो स्टेप्स हैं उनको आगे ले रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ और भी स्टेप्स लिए गए हैं, खास करके फूड सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ में बार बार बोला जा रहा है। हमारे रिपब्लिक डे की थीम जो होती है वो भी हम देख पाते हैं, कैसे महिला सशक्तिकरण की बातें की जा रही हैं। वर्कफोर्स का हमारे पास जो डाटा आता है वो रिसेंटली अभी देख रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है। तो यही कुछ कारण है। अभी हमारा जो बजट आया था, जेंडर बजट हम देखते हैं 2023-24 के लिए, उसमें भी इंडिया ने नियरली 27 मिलियन जो यहाँ पर डॉलर है उसकी राशि को रखा गया है जेंडर बजट के अंदर में। तो 27 बिलियन तक का यह डाटा है जो कि हम 2023 में देख पाएंगे। ये भी दिखा रहा है कि कैसे इंडिया की जो गवर्नेंस है वो इस काम पे लगी हुई है कि वुमन लेड डेवलपमेंट हो सके।
इसी में इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 23.3% जो होता था 2017-18 में, वो बढ़कर 37% हो गया है 2022-23 में, यानी कि 23 से 37% सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर। तो ये भी जो डाटा है वो काफ़ी ऊपर से बढ़ रहा है, औरतें जो हैं वो वर्क फोर्स में आ रही हैं, काम कर रही हैं, इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से ये डाटा लिया गया है। फीमेल इनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन के अंदर, यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पीएचडी होते हैं, तो ये जो हायर एजुकेशन बोला जाता है इसके अंदर देखेंगे कि वो भी पिछले 10 साल में 28% तक ज़्यादा बढ़ चुका है। उसमें साइंस की, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो स्टीम कोर्सेज हैं, इनमें हम देखेंगे कि इनमें सबसे ज़्यादा वुमन का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, जो कि लगभग 43% है, जो कि हाईएस्ट इनरोलमेंट रेट है वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी हम अगर देखें तो। तो इस तरीके से हम आज प्राउड करने की स्थिति में आ गए हैं कि हायर एजुकेशन के अंदर जो वुमन है वो काफ़ी ज़्यादा इनरोल कर रही हैं, पढ़ रही हैं, और आने आने वाली जो हमारी एक और पीढ़ी होने वाली है वो एजुकेटेड भी होगी, स्ट्रॉन्ग भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी नींव आज गिरते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लगभग 83 लाख ऐसी वुमन हैं जो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, उसके अंदर रूरल जो इंडिया है वहाँ से भी लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा ऐसी औरतें हैं जो इसमें काम कर रही हैं। साथ ही उनकी जो सामाजिक, सोशियो जो है उसके साथ इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उनको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने ऐसे या फिर जो आंसर आपके हैं उनमें इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से दे सकते हो। इसके अलावा हमारी जो मिनिस्ट्री है, अब हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने भी इंडिया के अंदर, हम देख पाएंगे कि इंडिया के अंदर बहुत काम किया है वुमन से रिलेटेड, और जो इंथुजियाजम दिखाया है वी लेड का, हम यहाँ पर दिशा देंगे, हम मिलकर, तो औरतें जो हैं वो एक लॉन्च सेट किया गया है जो कि इंडस्ट्रीज़ को डेवोस में जब हुआ है ग्लोबल इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी को दिखाने के लिए, तो उन सारी चीज़ों में भी यहाँ पर हम देख पाएंगे। और उन्हीं का ये नारा है कि कैसे ग्लोबल गुड के लिए, सभी की भलाई के लिए यहाँ पर जेंडर इक्विटी, समानता जो है वो भी लानी पड़ेगी, बराबरी भी लानी पड़ेगी, और इक्विटी जो है वो भी यहाँ पर लेकर आने की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम आगे वाले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ ग्लोबल वोटर एक्सरसाइज राइट इन 2024। देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ की यहाँ पर एक रिकॉर्ड लिया गया है। क्यों लिया गया है ये रिकॉर्ड? अब ये रिकॉर्ड इस वजह से लिया गया है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में इलेक्शन होने वाले हैं, और जो इलेक्शन हो रहे हैं लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं 2024 में जिसमें इस बार इलेक्शन होंगे, और इन 50 से ज़्यादा जो ये जो कंट्रीज़ आप देख पाएंगे इनमें वर्ल्ड की 45% से ज़्यादा पॉपुलेशन डिसाइड करती है, खास करके जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उनमें इलेक्शन को हम देख पाएंगे। आप मैप को बड़ा कीजिए और देखिए यहाँ पर कि EU के पार्लियामेंट के यहाँ पर इलेक्शन होंगे, सभी के सभी जो कंट्री है, फ्रांस, पुर्तगाल, स्वीडन, इन सब में आप देखेंगे, जर्मनी, इटली, फिर रशिया में इलेक्शन हो रहा है, इंडिया में, पाकिस्तान में अभी हुआ ही है जस्ट, कंबोडिया में हम देख पाएंगे, मलेशिया में हम देख पाएंगे, इंडोनेशिया में देख पा रहे हैं, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर हम इसमें देख पाएंगे तंजानिया के अंदर, जिम्बाब्वे, उरुग्वे, USA, ब्राज़ील, और ऊपर आप देख पाएंगे कि अलास्का के अंदर भी, यानी USA का ही वो पार्ट है, तो उस तरीके से दिखाया है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस साल इलेक्शन में जाएंगी, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर 45% से ज़्यादा यहाँ पर वोटर रह रहे हैं। अब इसी को, ये जो इंडेक्स बनाया गया है यहाँ पर, हम देख पाएंगे कि कैसे ये जो इंडेक्स है वो इसी चीज़ को मेजर करने वाला है कि जो डाटा है इलेक्शन बॉडीज़ का उसमें कितनी फ्रीडम दी जाती है लोगों को, वो कितने अपने अधिकारों को यहाँ पर हो रहे हैं, और कितने अच्छे से उनके जो अधिकार हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। असेसमेंट जो किया गया है वो फेयरनेस को दिखाता है, और 2024 की पॉपुलेशन को ही इसको लिया गया है, नेशनल लेवल पर भी लिया गया है, और हम देखते हैं स्टेट लेवल पर भी ये चीज़ें की गई हैं। तो क्या क्या है इसमें? सबसे पहले यहाँ पर देखा जा रहा है कि कौन से इलेक्शन कितने फ्री हैं, कितनी ज़्यादा उनमें जस्टिस है, लोग कितना राइट कर सकते हैं, कौन से इलेक्शन जो है वो फ्रॉड फ्री हैं,
कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें फ्रॉड बहुत होते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें वोटिंग को, यहाँ पर वोट्स को खरीद लिया जाता है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिसमें वायलेंस के तौर पर यहाँ पर ज़बरदस्ती से किसी से वोट डलवाए जाते हैं। तो इन चारों पाँचों कैटेगरीज़ को यहाँ पर लिया जाता है और उसी के आधार पर ऊपर से लेकर नीचे तक रैंक दी जाती है। अब हम देख पाएंगे इंडिया की रैंक क्या है। जो टॉप कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में हम कुछ कंट्रीज़ को देख पाएंगे जिनके अंदर यहाँ पर हंगरी जैसी कंट्रीज़ हैं, यूएसए में देख पाएंगे, स्वीडन जो है वो सबसे टॉप पर आई हुई है, मिडल में देख पाएंगे 50 में से लगभग 25 कंट्रीज़ के इंडिया है, और उसके कुछ नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है अफ्रीका की कंपनी, चाहे वो कॉमरो जैसी कंट्री हो या फिर हम देख पाएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की कैटेगरीज को जो इंडिया से थोड़े से नीचे हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर देखी जा रही हैं, उसी का रिकॉर्ड है। इस डाटा को यूज़ किया कहाँ किया जा सकता है, ऑब्वियसली ऐसे के अंदर यूज़ किया जा सकता है, और आपका जो जीएस पेपर 2 है उससे भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि इन्हीं रिपोर्ट्स को दिखाकर पूछ लिया जाए कि क्या करें अब आगे, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो उनके लिए हमेशा तैयार रहे। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो कि आर्टिकल है, दोनों ही आर्टिकल यहाँ पर इकोनॉमी से आए हुए हैं। पहला बात कर रहा है द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी टुडे, दूसरा बात कर रहा है डिकोडिंग इंडियाज इकोनॉमी रियलिटी। देखिए पहला आर्टिकल जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि कैसे अभी तक जो बताया गया था आंकड़ों के हिसाब से वो कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। इनका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर GDP के ऊपर है। ये कह रहे हैं कि मैं जो 2016 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर आपको डाटा दूंगा, और उस डाटा में मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे आप कह रहे हो कि ठीक है कोविड आ गया तो हम GDP कर नहीं पाए, लेकिन 2016 में जो GDP 7% की रेट से बढ़ रहा था वो 3.5% 2020 तक कैसे पहुंच गया। ये तो कोविड से पहले का डाटा है। इसके बाद ये कहते हैं कि कोविड की रिकवरी के बाद भी यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि 6% से हमारी GDP जो है वो रिकवर यहाँ पर कर पाई है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपको रियल टर्म्स ना बताकर नॉमिनल टर्म्स बताई जा रही हैं। सरकार बहुत पब्लिकेशन कर रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिशाइज कर रही है चीज़ों को, बता रही है कि हमारी इकनॉमी इतनी अच्छे से चल रही है, लेकिन इन रियलिटी जब हम देखते हैं तो हमारे सामने स्टेटस जो है वो कुछ और ही है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है, काफ़ी चिंताजनक है। डिक्लाइन 2016 से ही देखता हुआ इनको दिखाई दे रहा है, पोस्ट कोविड भी इनको लग रहा है कि इतना ज़्यादा कुछ आया नहीं है। तो इसी वजह से ये एक तरीके से यहाँ पर एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए हैं। अब इस इकोनॉमिक पॉलिसी को क्यों लाया जा रहा है, देखिए कभी भी अगर आपको कोई चेंज करने की बात कहता है, बदलाव की बात कह रहा है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पहले कोई कमी है, या आपके अंदर नहीं है, जिस भी चीज़ में बदलाव लाना वो गलत है, इसी वजह से बदलाव की ज़रूरत है। तो कह रहे एक नई पॉलिसी यहाँ पर लाने की ज़रूरत है, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके ऊपर हम यहां पर देखेंगे। उसको क्या बोला गया है, मोदीनॉमिक्स। अब मोदीनॉमिक्स क्या होता है, जैसे कि बाइडेनॉमिक्स यहां पर था, यानी कि जो सरकार है और जिस तरीके से वो इकोनॉमी को चला रही है, तो उसी के लीडर के नाम के साथ में उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, उसको जोड़कर ये एक तरीके से वर्ड प्ले किया जाता है, वर्ड बनाया जाता है। ये कहते हैं मोदी इकोनॉमिक्स जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, फेल हो गई है, फ्लॉप हो गई है। इसी कारण से यहां पर क्या किया गया, फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कैसे वगैरह की स्कीम्स को लाया गया, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हम देखते हैं। अब इससे कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जाना है तो आपको पहले प्लानिंग करनी होगी कि आप किस तरीके से रास्ता लेंगे, कैसे वो जाएंगे और कैसे पहुंचेंगे। यहाँ पर दावे तो बड़े बड़े कर दिए कि 2024 तक इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, लेकिन असलियत में हम 3.7 ट्रिलियन तक पहुँच पाए हैं। अब ये दावे के अकॉर्डिंग जो GDP ग्रोथ होनी चाहिए थी 2019 में, वो हर साल 15% होनी चाहिए थी, ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, ऐसा हो जाता अगर पॉलिसी जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती, तो अगर जो आपने पॉलिसी को, नीति को यहाँ पर बनाया, अगर उसने आपने स्ट्रक्चर में बनाया होता तो शायद ऐसा हो जाता। इसी वजह से ये एक तरीके से कहते हैं कि जो मार्केट सिस्टम है वो फ्री नहीं है एडहॉक मेजर से, उसके अंदर रूल्स बनाने पड़ेंगे, ट्रांजिशन के रूल बनाइए, मार्केट सिस्टम जो है उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, मिनिमम कम से कम रेगुलेशन हो उसमें, और जो प्रिंसिपल ड्राइवर्स है डोमेस्टिक सेविंग्स के वो यहाँ पर होने चाहिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, हमारे जो चाहत है जगह तक पहुंचने की, उसको पूरा कर पाएंगे। ट्रेड ऑफ की बातें की गई हैं, सोशल सिक्योरिटी दीजिए लोगों को, सेफ्टी नेट जो है खासकर गरीब लोगों का, उसको यहाँ पर ध्यान में रखा जाना होगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, ट्रस्टीशिप होनी चाहिए। फिलेंथ्रोपी के अंदर हम देख पाते हैं, कॉरपोरेट में भी यही होना चाहिए कि आप ट्रस्टी के साथ काम करें,
प्रॉफिट मेकिंग जो है उसको गवर्नेंस लेजिटिमाइज बना भी दे, तो वो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा कारण ही सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का है। ऐसा करेंगे तो उसके अंदर फिर इविल्स के आने के, गलत चीज़ों के होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसी वजह से ऐसा होना चाहिए, लेजिटिमेट है, ठीक है, सबको अपना जो प्रॉफिट है उसको बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ वही यहाँ पर गोल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरे आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है डिकोडिंग इंडियन इकोनॉमिक रियलिटीज़। अब ये क्या बातें कर रहा है, देखिए आर्टिकल जो है ये तीन तरीके से आर्टिकल में एनालाइज किया गया है इंडिया की इकोनॉमिक रियलिटीज़ को, खास करके हम देखेंगे दोनों गवर्नमेंट को कंपेयर करके। अब ये दोनों गवर्नमेंट्स को कंपेयर करा है, यानी कि NDA को भी UPA को भी, दोनों के टाइम को, यानी एक डिकेड का लगभग हम इसमें देख सकते हैं। आर्टिकल ये भी फोकस कर रहा है कि कैसे जो फूड के इन्फ्लेशन है, खाने का जो इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, कैसे हम देख पाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैलेंस है। एक्सपोर्ट हमेशा कम होता है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, कंट्री में चीजें ज्यादा आती है जिसकी वजह से डेफिशिएट हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे यहां पर बैलेंस किया जाए या कैसे वो प्रॉब्लम है फिलहाल का। ये सिर्फ विश्लेषण करने वाला है, ये कोई पॉलिसी जैसे बताने नहीं वाले हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे NPAs हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बैंक्स के अंदर, वो भी एक समस्या है। उससे भी इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही चीजों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। तो उन्हीं चीजों को एक एक करके समझाया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, यहाँ पर जिसके अंदर की बैंक्स रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें आई हुई हैं, पर कैपिटल इनकम एंड ग्रोथ की बातें हुई हैं, और उसके अलावा यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर्स भी दिखाया गया है, एम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है रूरल और अर्बन को लेकर। फॉरेस्ट चेंजेस हम देखेंगे, तो फूड इन्फ्लेशन को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि NDA गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं कि वो फूड इन्फ्लेशन, फूड की जो महंगाई है उसको यहाँ पर काबू में करे। खासकर उन्होंने काबू करने के लिए शॉर्ट टर्म यहाँ पर ज़्यादा मेजर्स लिए हैं कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स को रिलेटेड, जो कि सिग्निफिकेंटली इफेक्टिव नहीं हो पाए। अब ये इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है या जो मॉडर्न फूड स्टोरेज है वो आपने काम नहीं किया। अब आपने क्या किया, लोगों को सीधा सीधा कैश बेच दिया है। अब आपने कैश तो दे दिया है, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन ही नहीं निभाई, उत्पादन ही अगर आपने नहीं बढ़ाया, तो उससे क्या होगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो डिमांड ज़्यादा ही रहेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सप्लाई किसी चीज़ की कम है तो लोग क्या करेंगे, उसके रेट बढ़ा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना है तो अब आप बोलिएगा, तो इससे क्या होगा, महंगाई आएगी। और जब चीज़ों में महंगाई आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आप ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर लेके आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। इसी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो असली प्रॉब्लम्स को, असली समस्याओं को यहाँ पर एड्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद हमने बात की थी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड, कि कैसे एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है उसका बैलेंस नहीं हो पा रहा है और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज़ दिख रही हैं। UPA गवर्नमेंट के अंदर रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, काफ़ी स्पीड से हमने देखा कि चीज़ें जो हैं वो बाहर भेजने को मिल रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रैपिड से भी फास्टर इम्पोर्ट ग्रोथ देखने को मिली है, चीज़ें कंट्री के अंदर उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ी से आ रही हैं। तो ये जैसे कि इसके कारण भी है, ग्लोबल के क्रूड प्राइजेज जब बढ़ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तेल के ऊपर ज़्यादातर निर्भर रहना पड़ता है तो लाना पड़ता है। अब हमारे पास देने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, डिफेंस में हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, फार्मा में हम लोग कर सकते हैं, स्पाइसिस टेक्सटाइल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, उसमें भी चाइना जैसे जो बिग कंट्रीज़ है या उनका जो एक तरीके से वो मेगा उसमें बन चुकी है वो वहाँ पर अपना शेयर रखती हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा देने को कुछ है नहीं इसके अंदर में, और इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। फिर हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में दोनों ही में डिक्लाइन देखने को मिला, एक्सपोर्ट भी कम होते हैं, इंपोर्ट भी अब कम होते हैं, लेकिन स्टिल जो बैलेंस होना चाहिए, ट्रेड जो बैलेंस है वो फिर भी नहीं बन पाया, और इसी वजह से एडवर्सली अफेक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, ज़्यादा नेगेटिव तरीके से ये इम्पेक्ट करता है। उसके अलावा हम इनकम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमें पता है बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा है। आर्टिकल में अच्छे से डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो क्लेम तो करती है कि बेटर लिविंग दी जा रही है, हाइयर अर्निंग हो गई है लोगों की, लेकिन वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड पर कैपिटा इनकम ग्रोथ को ध्यान में नहीं रखती है। यानी कि आपकी इनकम 2016 से 100 रुपये से बढ़कर या 10,000 से बढ़कर आपकी जो इनकम है वो 20,000 तो हो गई होगी, लेकिन जो चीज़ें आप 10,000 के अंदर, कोई 5 चीज़ें एक समय पर खरीद पाते थे, वो आज आप 20,000 के अंदर सिर्फ 4 ही चीजों को खरीद पा रहे हो, सेम चीजों को।
तो ये क्या दिखा रहा है कि इनकम बढ़ रही है, ठीक बात है, लेकिन आपका रियल जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो हम देख पा रहे हैं कि क्या वो महंगाई के साथ एडजस्ट करके आपकी कैपिटल इनकम को दिखाया गया है, वो ग्रोथ एक्चुअली में कम है, वो नहीं हो पा रही है, खास करके 2017 से। 2017 से ही हम ये भी देख पाते हैं कि जो बेरोजगारी के रेट है वो भी थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन अगर 50 साल से कंपेयर करें हम आखिरी 50 साल से, तो वो आज के टाइम पे भी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। ये सारी कंडीशंस दिखाती हैं कि कैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक्चुअली में इतनी ठीक नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रही है, और उनके ऊपर काम करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है, हाइजीन सैनिटाइजेशन रेटिंग सिस्टम फॉर होटल्स रिजॉर्ट्स होम स्टेज यर टू टेक ऑफ। देखिए यहाँ पर यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक तरीके से एक नए तरीके की यहाँ पर एक स्कीम निकाली है। क्या स्कीम है, या फिर मैं ये बोलूँ तो क्या यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक पॉलिसी बनाई गई है। इसमें ये प्रीलिम्स के लिए आपसे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको ज़रा ध्यान से रखिएगा। एग्जाम्पल में आप इसको इथिक्स में भी दे सकते हो, इसके अलावा गवर्नेंस में भी दे सकते हो, मेंस के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए याद क्या रखना, प्री के लिए याद रखना है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग। ग्रीन लीफ रेटिंग जो है ये ट्रीज से हमें हो सकता है कि बहका दे, थोड़ा सा ऐसा लग जाए कि ये तो लीफ की कुछ बातें हो रही है, हो सकता है रेटिंग उसी से रिलेटेड हो, लेकिन ये जो ग्रीन लीफ रेटिंग है ये आपकी रेटिंग है कि जो होटल्स होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, खासकर रूरल एरियाज में या कहीं और पर होम स्टेज कहीं पर करवाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पर घर पर रहने के लिए लोगों को रोका जाता है, तो उनके अंदर कितनी साफ सफाई है, सैनिटेशन किस दर तक की है, हाइजीन का कितना ध्यान रखा जाता है, उन हिसाब से उनको रेटिंग देनी होती थी। वो अभी के लिए रुकी हुई है, उसको इनक्रीज किया जाएगा, एक स्कीम है ये, और यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको लेके आ रही है ताकि सेहत का भी ध्यान रखा जा सके और हाइजीन और सैनिटाइजेशन को यहाँ पर बढ़ाया जा सके हर जगह पर। उसके अलावा हम देखते हैं अर्थ वाइड टेलीस्कोप कन्फर्म्स ब्लैक होल शेडो इज रियल। देखिए साइंस पेज से ये आर्टिकल आया हुआ है और इसमें बताया है कि जो ब्लैक होल है M87 गैलेक्सी यहाँ पर दिखाई गई है, आप देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसके अंदर जो शेडो ये फोटो सामने आया था वो रियल है, शेडो ठीक है। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, ये क्या है, EHT, ये एक टेलीस्कोप का नाम है, इवेंट होरिजन उसका नाम है, और इनके साथ कोलैबोरेट करके एक इन्फॉर्मेशन निकाली है जिसमें ये पता चला है कि M87 जो एक गैलेक्सी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, मैसिव ब्लैक होल यहाँ पर है, और उसी को हमने यहाँ पर देखा था, उसी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 2018 में भी हमें इसकी शैडो दिखी, 2016 में भी दिखाई दिया। तो क्या ये सच में है, हाँ ये बिल्कुल है, क्योंकि ब्लैक होल क्या है, ये है आपका। उसके बाद ये नेटवर्क जो है कैसे पता चला, सबसे पहले अब मैंने आपको कुछ बताया EHT के बारे में, अर्थ वाइड टेलीस्कोप के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इवेंट होरिजन टेलीस्कोप की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एक नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, पूरे विश्व के स्तर पर ये लगा हुआ है, रेडियो टेलीस्कोप इसके अंदर है, जो इनिशियल इमेज जो है उसको निकालेंगे, फिर सभी अलग अलग जगह पर ये लगाए गए हैं इस तरीके से, और ये अलग अलग जगह पर एक साथ मिलकर सारी चीज़ों को देखते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको जानना, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर GS3 के अंदर हमारा आता है, उसी का एक पार्ट होता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, तो स्पेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इसी ने इनिशियल इमेज लेके आई थी जिसमें लगभग 53 मिलियन लाइट ईयर्स अवे इसको दिखाया गया था। अब लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है, लेटेस्ट फाइंडिंग इसको रीइंफोर्स कर रही है कि हाँ जो ऑब्जर्वेशन पहले की गई थी वो बिल्कुल ठीक है, और जो हमारे ब्लैक होल है, एक्टिव नेबर हम उसको बोल सकते हैं, वो वहां पर मिला है। साइंटिस्ट ने ब्लैक होल की शेडो को कैप्चर किया था ग्रेविटेशनल इंपैक्ट को देखते हुए, जिसमें इसकी सिग्नेचर जो है प्रेजेंस वो जानना जरूरी था। अब कैसे किया, टेक्निकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि आपको एज अ एस्ट्रोफिजिस्ट नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको UPSC क्लियर करना है, तो बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इमेज पता होनी चाहिए कि क्यों काम आएगी ये, हमें क्यों पता होना चाहिए इसके बारे में। आप इस तरीके से सोचेंगे तो हमें पता होगा कि ये जो इमेज है वो हमारी नॉलेज को, खास करके ब्लैक होल का जो मास होता है, वेट को हम जब देख पाते हैं,
तो उन सारी चीज़ों को समझने में हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो बुद्धिमत्ता है, उसको ज़्यादा और बढ़ाएगा। उसका साइज़ क्या होता है, शेप कैसे होती है, प्रोडक्शंस बनाई जा सकती हैं आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थ्योरी से, उसी से रिलेटेड हम इसको और ज़्यादा समझने में अभी भी कामयाब हो पा रहे हैं, और उससे थोड़ा सा हो सकता है कि हम और आगे बढ़ जाए। अब जो EHT नेटवर्क है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसमें बहुत सारे रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं, वेरी लॉन्ग बेस लाइक इंटरफेरोमेट्री हम देख पाएंगे इसमें। ये जो टेक्निक है ये कोरिलेट डाटा के ऊपर यहाँ पर रिलाई करती है। इसमें अलग अलग टेलीस्कोप जो होंगे वो फोटो खींचेंगे, लेकिन इन दो टेलीस्कोप का डाटा जो आएगा वो एक ही जगह पर आएगा सारा का सारा। तो हर ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे, यहाँ पर ऐसा भी नहीं बोल सकती कि अनगिनत, लेकिन बहुत सारे टेलीस्कोप जो है वो लगे हुए हैं, लेकिन उनका डाटा एक ही जगह पे आता है। तो इसी वजह से इसको नेटवर्क सिस्टम बोला जाता है। अब ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस है टेलीस्कोप का वो रेजोल्यूशन के ऊपर डिटेंड करता है कि वो कितना उसको देख पा रहा है। और इसके अलावा हमारे लिए इतना ही यहाँ पर समझना ज़रूरी था। फिर हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए क्या आर्टिकल आया है। तो एक्सप्लेन पेज से, इंडियन एक्सप्रेस से, जेल एंड बेल अंडर यूपा। अब यूपा क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, जो कि यहाँ पर बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के तहत 7 फरवरी को एक यहाँ पर बेल देनी थी, और वो बेल किसको देनी थी, गुरविंदर सिंह। गुरविंदर सिंह एक ऐसे इंसान है जिनको एलिज्ड किया गया है, जिनके ऊपर अक्यूजेशन लगाई गई है कि वो खालिस्तान मॉड्यूल केस के अंदर कुछ करने वाले थे, यानी कि खालिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप का वो पार्ट है और कुछ बहुत भयंकर यहाँ पर करने वाले थे, इसी वजह से उनको पहले ही पकड़ लिया गया। अब यूपा के अंदर इंसान को ऊपर अगर शक होता है कि वो कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेगा, तो उनको होने से पहले, क्योंकि ये प्रिवेंशन है, होने से पहले ही इनको पकड़ा जाता है, तो इसी वजह से इनको पकड़ लिया जाता है, उनको होने नहीं दिया जाता। यानी कि आप गलती करेंगे तभी आपको नहीं पकड़ा जाएगा, गलती करने से पहले ही अगर लगता है तो पकड़ लिया जाता है। अब इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है। यूजुअली यहाँ पर बोला जाता है कि जो केस होते हैं उनका एक ही रूल है कि जेल जो होती है वो एक्सेप्शन है, बहुत ही लेट आपको जेल होगी, बहुत ही मुश्किल से होगी, लेकिन बेल पर आप हमेशा बाहर आ सकते हैं, वही एक रूल है। यूपा में इसका उल्टा है। इंडिया के केस में हम देखते हैं कि यूपा के अंदर यहाँ पर बेल लेना बहुत ही मुश्किल है, और ये कैसे बताता है, क्योंकि सेक्शन 43 जो है यूपा का एक्ट का, वो बताता है कि कोई भी कोर्ट, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर अक्यूज़ लगा हुआ है उसको कस्टडी में रखना है जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसी अपॉर्चुनिटी ना दे कि उसको रिलीज़ किया जाए सुनने के बाद में, तब तक आप उसको क्या रखें, कस्टडी में रखें। अब इसके लिए कोई टाइम लिमिट खास से दी नहीं गई है कि आपको इसी टाइम तक इसको पकड़ना है, ऐसा वाला हम देख नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर बेल जो है वो काफ़ी मुश्किल से मिलती है। हालाँकि मेल 2019 में हम देख पाते हैं कि जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने AM खांडेवर, उनमें थे, उन्होंने जाहूर अमीर शाहवालवी इनको छोड़ा था यूपी से। यहाँ पर नताशा नरवाल को हम देख पाएंगे, अशिफा इकबाल ताना, देवंगा कालिकता, तो ये ऐसे तीन थे जिनको यूपा के तहत पकड़ा गया जो कि स्टूडेंट थे, और उनको बेल मिली 2 से 3 साल के बाद में। ऐसे ही और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक ऐसे ही यूपा के अंदर गए हुए हैं, तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी था। फिर चलते हैं फार्मर प्रोटेस्ट की तरफ 2.0, हाउ दिस एगिटेशन डिफर्स फ्रॉम 2021-2022। देखिए फार्मर्स का दोबारा से प्रोटेस्ट हो रहा है। 13 फरवरी को हम देख पाएंगे कि दिल्ली चलो के नारे लगे हुए हैं, और क्यों ऐसा किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा। पहला प्रोटेस्ट जो था वो यहाँ पर 2020 में और 2021 के अंदर हम देख पा रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, अब ये क्या डिफरेंस है। पहले जो प्रोटेस्ट था वो हो रहा था यहाँ पर 3 फॉर्म बिल के ऊपर, फार्मर्स के लिए जो बिल लेकर आया गया था जिसमें कुछ संशोधन किए जा रहे थे, वो फार्मर्स को पसंद नहीं आए, उसके अगेंस्ट वो लोग हो गए। अब किया जा रहा है कि यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम भी फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 रखा गया है, यानी कि अब क्या हो रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो अब जो उनकी मांगी थी अब जो पूरी नहीं हुई है उनके ऊपर दोबारा आ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर 12 पॉइंट्स का एजेंडा बनाया गया। पहला एजेंडा है कि वो क्रॉप्स मांग रहे हैं, क्रॉप्स के ऊपर MSP मांग रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो सभी क्रॉप्स पे होगा। अभी के लिए सभी क्रॉप्स पे ये नहीं दिया जाता है। हमारे लिए प्री के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि MSP का कंसेप्ट लेकर कौन आया था। तो हमें पता चलता है कि MS स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने MSP के लिए यहाँ पर बोला था कि कैसे क्रॉप्स के ऊपर क्या फॉर्मूला होना चाहिए, MSP देने का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे दे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर पेंशन्स मांगी जा रही है फार्मर्स से लिए, फार्म्स के जो लेबरर हैं, कंपनसेशन मांगा जा रहा है कि जो डाई किए थे, मर गए थे दिल्ली के प्रोटेस्ट के अंदर, तो उनको कंपनसेशन दिया जाए। यही कुछ यहाँ पर मांगे हैं जिस वजह से फार्मर्स का प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है।
आज के लास्ट और सेकंड लास्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है डेथ इन वायानंद, व्हाट इज़ बिहाइंड केरलाज राइजिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या हुआ है कि केरला के वायाद एरिया के अंदर यहाँ पर एक रेडियो कोलर्ड एलिफेंट थे, वाइड एलिफेंट थे, जिन्होंने 47 साल के आदमी को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घुस कर कुचल कर मार दिया गुस्से में आकर। लोकल पीपल्स का यही कहना है कि फॉरेस्ट और रेवेन्यू ऑफिशल्स की गलती है, उनकी प्रॉब्लम हुई है, उन्हीं की वजह से जो एलिफेंट है वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज में आते हैं। हमारे लिए ये न्यूज़ सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, फिलहाल हमारे लिए जरूरी है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, ऐसे क्या कारण हो रहे हैं कि इंसानों का और एनिमल्स का एक साथ में हमें ऐसा विद्रोह या फिर हम देख पा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इंसिडेंट इस चीज की तरफ दिखा रहा है कि ऐसी ऐसा सिर्फ ये एक ही जगह नहीं है, बल्कि केरला के 14 डिस्ट्रिक्ट में से 13 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल जो है वो क्रॉस कर जाते हैं, इंसिडेंट देखने को मिलते हैं, खास करके एलिफेंट, टाइगर, बाइसन, वाइल्ड बोर भी इसमें आता है, और जो यहाँ पर ह्यूमंस के साथ में अटैक कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर। वायानंद, कन्नौर, पालखंड और इदुकी, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ है, ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिले हैं। गवर्नमेंट का डाटा देखें 2022-23 का, तो ये पता चलता है कि कैसे 8,873 ऐसे एनिमल अटैक देखने को मिले हैं, और उनमें से भी 4,193 जो किए गए थे वो किए गए थे अकेले हाथियों के द्वारा, एलिफेंट्स के द्वारा, 1,524 यहाँ पर वाइल्ड बोर के द्वारा, 193 अटैक जो थे वो टाइगर्स के द्वारा किए गए, और 244 लेपर्ड के द्वारा यहाँ पर हुए थे। अब वायानंद क्यों इतना वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है, क्योंकि हम देख पाएंगे कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट की, वो इसमें बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रही है। कारण क्या है, एक तो इसका जो पूरा एरिया है वो 36.48% फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो यानी कि 36% के एरिया में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। दूसरा, 41 लोग जो है वो एलिफेंट अटैक से अभी फिलहाल इसमें डेथ उनकी हो चुकी है, लगभग ये एक दशक की बात है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के साथ साथ, क्योंकि फॉरेस्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क बने हुए हैं, जैसे कि नगरहोल टाइगर रिजर्व यहीं पर है, बंदीपुर नेशनल पार्क यहीं पर दिखाई देता है, बीआर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के एरिया में हम देख पाएंगे कर्नाटका के, जो कि आसपास ही लगता हुआ है, सत्यमंगलम फॉरेस्ट जो है वो तमिलनाडु के अंदर भी हम देख पाते हैं। तो जो ये दूसरे फॉरेस्ट से यहाँ पर लोग या एनिमल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तो वो सर्च के लिए, फूड के लिए यहाँ पर इस तरीके से स्टेट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाते हैं, और इसी वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमले इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि जो केरला फॉरेस्ट है उनकी क्वालिटी के अंदर भी कुछ डिक्लाइन दिया है, कुछ एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उनके लिए फॉरेस्ट के एरिया को काटा गया, जिस वजह से अब उनके पास आने के लिए यहाँ पर आ रहा है, कुछ एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से उनको इनफ फोडर नहीं मिल रहा है। मान लीजिए एक एनिमल है, अब उसको रहने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर का एरिया चाहिए, उसी में रहने के लिए उसका जो 5 किलोमीटर का एरिया अलग अलग जो उसके हम बोलेंगे कि हंटिंग करने के लिए वो है, वो उसमें रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे। जब हमने इस एरिया को काट कर 2 किलोमीटर का उसके पास छोड़ दिया है और 3 किलोमीटर में एग्रीकल्चर हम लोग करने वाले हैं, तो उसको खुद के खाने के लिए बहुत ज़्यादा एरिया नहीं मिल रहा है, भागने के लिए एरिया नहीं मिल रहा है। इसी वजह से कई बार क्या होता है, ये टकराव हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केरला इसको जो ये समस्या है, इसको इशू को एड्रेस कैसे कर रहा है, ठीक कैसे करना चाह रहा है, तो इसी में स्टेट को हम देख पाएंगे कि बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं एनिमल को यहाँ पर, खासकर ह्यूमन सेटलमेंट रोकने के लिए। इसमें यहाँ पर एलिफेंट प्रूफ टेंचेस लगाए गए हैं कि आपका जो एलिमेंट है उसमें ना आ पाए, या फिर एलिफेंट प्रूफ स्टोन्स पोल बनाई गई हैं, सोलर पावर इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर दी है कि कोई जानवर अगर आए तो उनको छोटा सा यहाँ पर बिजली का झटका लगे और वो वहाँ से वापस चला जाए। तो यही सारी चीज़ें बनाई गई हैं और इन्हीं से काम किया जा रहा है। एनिमल्स को फॉरेस्ट में रोकने के लिए क्या किया है केरला में, उसका भी कुछ काम किया, जैसे कि इको रिस्टोरेशन, कि जो फॉरेस्ट का आपने ख़राब कर दिया है उसको दोबारा से रिस्टोर करो, उसको दोबारा से जंगल के रूप में ही बनाओ, ताकि यहाँ पर काम हो सके। फार्मर्स से यहाँ पर लैंड खरीदे जा रहे हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है फिर से जंगल बनाने में, फॉरेस्ट लैंड बनाने में। अभी तक 782 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको रीलोकेट कर दिया गया है, और लगभग इसमें 95 करोड़ का खर्च आया है, उनको कंपनसेशन दिया गया है 95 करोड़ का। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिली। लास्ट आर्टिकल, हाउ चाइनीज इज गोभी मंचूरियम एंड वाई
अगाउंट फेयर बैनेट। देखिए क्या हुआ है कि गोभी मंचूरियन नाम की एक डिशेज है जिसको यहाँ पर गोवा के अंदर बैन कर दिया है फेयर के अंदर लाने से। एक मेला लग रहा था, क्यों ऐसा हुआ है? तो ये एक यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्यूजीन के हिस्टोरियन होते हैं, जो खाने के हिस्टोरियन होते हैं फूड के, उन्होंने बताया कि कैसे ये जो कंसेप्ट है मंचूरियन का, जो कि एक रेड सॉस होती है, उसके अंदर आप गोभी को सोते करके जब डालते हैं, बनाते हो, तो वो क्या बनता है, चाइनीज़ मिक्स पंजाबी हो जाता है एक तरीके से। तो ये किस तरीके का वो है, जिस कल्चर को शायद गोवा के जो लोग हैं वो इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कारण अभी बोला गया है 5 डे का एनुअल यहाँ पर फेयर लग रहा है, कारण यही बताया गया है कि अनहाइजीनिक है, हाइजीन इसमें ठीक तरीके से नहीं मिलाया जाता है, अच्छे से साफ़ सफाई से ये नहीं बनता है, स्ट्रीट के जो वेंडोर वगैरह वो इनको बना रहे हैं साथ में, तो इसी वजह से इसको बैन किया गया है। एक छोटा सा हमारे लिए ये था कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर यहीं पे आज का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर अभी तक जो भी मेरे साथ जुड़ा।